नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि आज हम चमयाड़ी पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, इस पंचायत के अंदर कार्यों के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। अभी हाल में हमने आपको एक चक डैम जो बनाया गया है उस चक डैम को लेकर सवाल उठाए और जिस चक डैम के टूटने की वजह से पूरा गाँव तबाह हो गया, उसी सिलसिले में मैं आपको और दिखा रहा हूँ चमयाड़ी पंचायत के अंतर्गत बने हुए एक और चक डैम को लेकर जो कि बनाया गया है हाल ही में। मैं पहले आपको इसके दो तीन अनियमितताएं बताता हूं। सबसे पहले इसके अंदर मनरेगा द्वारा कार्य कराया गया किंतु खुदाई जेसीबी द्वारा की गई। इसके अंदर जेसीबी से इस टैंक की खुदाई की गई, इसकी खुदाई की गई, ये जांच का विषय है और इसके मैं प्रूफ दे सकता हूं विभाग को, इसके मैं सबूतों के साथ में बात रख सकता हूं कि इस टैंक इसकी खुदाई जो है, इस डैम की खुदाई जेसीबी से करने के बाद में यहां पर इनको बांध को लगाया गया। मैं यहां विभाग से पंचायत से पूछना चाहता हूं कि इसको लगाने का फायदा आखिर क्या है, ये पैसा जो बर्बाद किया जा रहा है, इस पैसे को बर्बाद करने का फायदा क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कल की बारिश में ही ढह गया, ये कल की जो बारिश है, अभी 15 दिन भी इसको बने हुए नहीं हुए, ये भरा और ये देखिए इसके अंदर किसी तरह का कोई सीमेंट प्रयोग नहीं किया गया, किसी तरह से इसके अंदर कोई भी नियमितता नहीं पाएगी, हर जगह अनियमितता है। ये देखिए आप देखेंगे पत्थरों को ऐसे ही रखा गया है और जैसे ही बारिश हुई, मैं चाहूंगा कैमरामैन अपने नीचे दिखाएंगे, ये देखिए ये कल टूट गया और ये नीचे तक देखेंगे ये पानी बह गया, ये भी एक बहाव का कारण बन सकता है, इतना पानी भी जाकर किसी का नुकसान कर सकता है। और यहाँ बात केवल नुकसान की नहीं है कि नुकसान है या फायदा है, ऊपर भी एक चेक डैम बना हुआ, उसका पानी बहकर भी इसमें आ रहा है और जब दोनों का पानी टूटेगा किसी कारण से, क्योंकि ये देखिए कच्ची दीवारें हैं, कच्ची दीवारें आखिर कब तक रुकेंगी, तो यहाँ पर विभाग को, BDO साहब को, डिप्टी कमिश्नर महोदय को इस पंचायत के अंतर्गत जितने भी कार्य कराए गए हैं उनकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि ये देखने में आया है कि इस पंचायत के अंदर जितने भी कार्य कराए गए हैं सबके अंदर कोई ना कोई अनियमितता पाई जा रही है। आखिर ऐसा क्यों, विभाग आखिर क्यों आंखें बंद करके सोया रहता है और पंचायत जो सेक्रेटरी हैं वो आखिर क्या करते हैं, जो टेक्निकल सहायक हैं वो आखिर क्या करते हैं, जो पैसा लगाया जाता है उस पैसे की बेकदरी क्यों की जा रही है, इस तरह से पत्थर खड़ा करके किसी डैम को लगाने का औचित्य क्या है जो कि बारिश में आप देख रहे हैं ऐसे बह जाता है। ये एक बड़ा सवाल है यहाँ की कार्यशैली पे, पंचायत की कार्यशैली पे, और लोगों का जो पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। अधिकारियों को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के कार्यों को करवाने के पीछे जरूर जांच करनी चाहिए कि ये कार्य किसके इशारे पर क्यों कराए जा रहे हैं और इनकी परमिशन आखिर कौन देता है। इस तरह का कच्चा कार्य करवाने का कोई भी औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार पंचायतों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा हूं किंतु अधिकारी आंख बंद करके सोए हुए अपने ऑफिस के अंदर और उनके सामने बातें आने के बावजूद भी वो इग्नोर कर रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक गांव को, जो गांव आज पूरा बह गया, जो गांव की हमने कल बात की थी, जहां पर ये बात की जा रही थी बादल फटने की बातें आ रही हैं, यहां पर बादल फटने की बजाय पंचायत के कार्यशैली, गलत कार्यशैली का पिटारा फूटा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अधिकारियों को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस पंचायत के सभी कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और पंचायत के अंदर कराए गए जितने भी कार्य हैं उनकी जांच कराई जानी चाहिए कि आखिर ये कार्य गलत तरीके से क्यों कराए जा रहे हैं, क्या इनका कराने का तरीका यही है। अगर ये तरीका है तो सरकार को ये तरीका बदलना चाहिए, इन तरीकों का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि सरकार ने ये भी कहा है, प्रशासन ने ये भी कहा है कि इनके फेंसिंग करानी पड़ेगी, ये रोड चलता हुआ है, कोई जानवर गिर सकता है, बच्चा गिर सकता है, किसी तरह की भी कोई हादसा हो सकता है। आखिर क्यों सरकार जवाबदेही नहीं ले रही है और क्यों पंचायतें गलत कार्य कर रही हैं, हम बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, बार बार प्रश्न उठाने का मोटिव एक ही है, इस तरह का गलत कार्य। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से, थैंक यू वेरी मच।